Good afternoon, children. It's time to talk again. I hope you and your families are fine. I hope सब कुछ ठीक चल रहा है घर पे, कि कठिन समय है कोरोना काल, और इसीलिए अब हम ऐसे बात कर रहे हैं एक स्क्रीन के थ्रू. बट या समय के साथ हमें भी ढलना पड़ेगा. जो हम पिछले साल हमने काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, काफ़ी कोशिशें की थी. उम्मीद करता हूँ, आई होप दैट यू नो ऑल ऑफ दिस कैन गो ऑन इन स्पाइट ऑफ दिस, एंड दैट यू नो जल्द ही, सून होपफुली विल बी बैक टू नॉर्मल, और हम फिर से एक लाइक यू नो क्लास में बैठकर बात करें. इनफैक्ट यू नो एज यू कैन सी, हमारे बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग का भी काम फाइनली आगे बढ़ रहा है. सो लेट्स सी इंटरेस्टिंग टाइम्स. सो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस. राइट, एक सवाल आप सबके मन में है, एग्जाम्स. व्हाट अबाउट योर एग्जाम? सो वेल, एज यू नो, आपके सीनियर्स के फाइनल ईयर वालों के तो एग्जाम चल रहे हैं, देयर गोइंग ऑन राइट नाउ. सो वील वर्क ऑन द अजम्पशन कि आपके एग्जाम होने ही है और होंगे ही, बिकॉज UGC हैज ऑर्डर्ड इट. यू नो उन्होंने कहा है कि एग्जाम्स तो करने पड़ेंगे. सो हाँ, ये मत सोचिएगा कि अब यू नो हाँ एग्जाम एग्जाम नहीं होने, एग्जाम होंगे आपके, तो वो भी कीप दैट इन द बैक ऑफ योर हेड एंड कीप रिवाइजिंग आपका जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है. आई थिंक हम पूरा कोर्स कर ही चुके हैं. सो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट, यू आर ऑलवेज वेलकम. आप फ़ोन कर सकते हैं, बट हाँ यू नो सरकारी टाइम के अनुसार, ये नहीं आप मुझे सुबह 7 बजे या फिर रात को 10 बजे फ़ोन कर रहे हैं. 10 to 3, एनी टाइम यू कैन कॉल मी, राइट? और क्या है? सो या एग्जाम्स होंगे, बट एनी हाउ फॉर नाउ वी आर अज्यूमिंग, फिलहाल के लिए तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि आप लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, है ना? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू मेड इट टू द सेकेंड ईयर, है ना? ऑल राइट, ऑल राइट. तो आपका सिलेबस इस बार आपके एक ही पेपर होगा मेरे साथ, और उसमें दो किताबें हैं, रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द ईस्ट एंड द वेस्ट, जिसमें कुछ एसेज हैं, और रिपल्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, जिसमें क्या है, पोइट्री है. सो टू बुक्स. ये जो बग्गा जी का शॉप है उस पर मैंने उन्हें कहा है कि ऑर्डर करके रखें. सो प्लीज़ इस बार तो आपको आई थिंक यू नो किताबें खरीदनी पड़ेगी. जो आपका डिटेल्ड सिलेबस है, आई विल अपलोड इट लेटर, आई शेयर इट विद यू. बट प्लीज़ प्लीज़ बाय दीज टू बुक्स. जो गाइड वाइड तो देखो आप लोग खरीदते हैं ना खरीदते हैं, वो आपकी मर्जी है, बट लाइक यू नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली दिस टाइम, बिकॉज क्या है, जैसे आत्मनिर्भर की बात चल रही है ना आजकल, आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा. पिछले साल तक तो मैं आपको किसी तरह यू नो पकड़ के ले चलता था, बट नाउ पता नहीं कब तक, शायद इस साल के अंत तक तो शायद हम ऐसे ही एक विल बी टॉकिंग थ्रू अ स्क्रीन. सो यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस टाइम द ओनस इज इन यू. आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी. मेरी तरफ से तो अब मैं बस क्या है, आपको आई कैन शेयर नोट्स ऑन व्हाट्सएप, या फिर यू नो ये वीडियोज़ मैं आपका बनाऊंगा. सो कोशिश करेंगे एटलीस्ट पोइट्री, एटलीस्ट तो हम क्या है, जैसे हम करते हैं वर्ड बाय वर्ड, आई विल मेक दीज वीडियोज़, आप लोग के काम आएंगे, आपके शायद बाद के बच्चों के लिए भी काम आ सकती है. सो वील डू दैट. एंड अदरवाइज अगेन बैक टू लैंग्वेज. कई लोग हैं आप लोग, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ यू आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश. सो प्लीज कीप वर्किंग ऑन दैट. स्टोरी बुक्स, एप्स, यू नो आई शेयर अ लिस्ट ऑफ एप्स, इंग्लिश स्पीकिंग डिक्शनरी, हिंदी टू इंग्लिश, ये सब ग्रामर के एप्स हैं. बाकी एनी क्वेश्चंस यू हैव, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी. एंड इंटरनल्स वगैरह का आपका जो है, एज यूजुअली यू नो 70 मार्क्स का क्या है, आपका थ्योरी पेपर होता है फाइनल पेपर, एंड 30 मार्क्स फॉर इंटरनल्स, बट वी डोंट नो हाउ दैट्स गोइंग टू बी नाउ. यू नो अटेंडेंस, मिड टर्म्स, लेट्स सी एज इट कम्स, यू नो देखते हैं कैसा चलेगा. बट फिलहाल वील स्टार्ट यू नो सून, एंड या होपफुली वील बी बैक इन अ क्लास रूम सून, यू नो एंड इन अ न्यू क्लास रूम. सो या टेक केयर एंड सी यू ऑल.